अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर से होंगे, बख्शने के लिए दुआ गो होंगे। वेलकम बैक टू नमाज 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 ब्लॉग। अच्छा जी, ब्लॉग का जो आज हमारा है, क्या कहते हैं, अच्छा पहले एक बात ही करते हैं कि सब मेरे एक इंट्रो पे एतराज है कि जी ये अस्सलामुअलैकुम क्या हुआ। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे, मौके बख्शने के लिए दुआ होंगे। अब मुझे इसमें ये बताएं कि गलत क्या है, पहले पूरा सलाम लेना क्या बुरी बात है, दूसरा क्या आप सबकी खैरियत पूछा बुरी बात है, तीसरी क्या हम अपने मुल्क के लिए दुआ करना कोई बुरी बात है। मेरे इस एंट्रो पर मुझे बहुत सारे मेरे फैमिलीज में से इशूज हैं कि जी ये क्या है और ये क्या है। यार हर बंदे का अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, डगी का अपना स्टाइल है, इब्रार का अपना स्टाइल है, जुल्कुल का अपना स्टाइल है, रजब का अपना स्टाइल है, सिस्टरोलॉजी का अपना स्टाइल है, इवन के रजब की सिस्टर जो है गजल उनका अपना स्टाइल है। देखिए यार हमारा नहीं काम बनता हम किसी को इस चीज पर क्रिटिसाइज करें, जो मुझे बेहतर लगा जो मुझे अच्छा लगा, हर बंदे का एक अपना स्टाइल है। ये मेरा स्टाइल है, अच्छा है तभी बताए कमेंट में, बुरा है तब भी कमेंट करता है। अच्छा अभी क्योंकि शाम हो रही है, अभी असर की जाने हुई है, तो हम सब ने बिछा ली हैं चार पहिया बाहर, ठीक है, और अब्बा जी ने लगा दिया है पंखा। उई 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 वाह जी वाह, तो उसी प्रिंट ही कटाते रहना, काम ना करना, ये झूला बनाने ना बुने, ये पता है ये झूला बनाने लगे हैं। अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चे मेरी पराडो लेके निकल गए और मुझे भी कॉल आई है, माल ऑफ लाहौर मुझे पहुंचना है अभी, ज़रूरी, बड़ा ज़रूरी, बड़े जल्दी। एक बंदे की कॉल आई है कि 10 मिनट में पहुंच जाएँ, और 10 मिनट बाद मैं कैसे पहुंचूंगा कि अभी तक बच्चे बाइक लेकर गए। एक पता नहीं तहू करंट मार दिया, मैंने नहीं मार दिया। अच्छा अभी जैसे इंतज़ार हो रहा है बच्चों का, जैसी वो आते हैं निकलते हैं। एक अबू ने यहाँ पर वो जो कान में आके बी 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 कर दी ना मक्खियाँ, अबू ने एक ये बी बी जला दिया, ये देखें एक अब्बा जी ने यहाँ पे ये बी बी जला दिया है, कान में ई ई कर रही है, अभी इंतज़ार हो रहा है। अच्छा एक मजे की बात सुनाता हूँ, बेगम ने पैसे दिए बच्चों को कि जाके चावल ले आओ, जिना मेरा छोटा निका न्याणा है ना वो कहता कोई चक्कर नहीं मैनू पैसे पढ़ाओ मैं 100 रुपए की जलेबियां लेके आना। उदा की कसम मैं बड़ी वड्डी गलती की अपने प्यो दी नूं गुड़ती देके, दादा ते पोता दोवें इको जे ने, खुदा की कसम घर मिठी कोई शह नहीं जे छड़ दे, ते जेड़ी शह दे दो रगड़ जांदे ने खा, ते अब्बा जी दे जो मेरे अब्बा जी हैगे सी ना, खुदा की कसम रेज उन्हां नालों भी चार हाथ अगेगा जी, ठीक हो गया। ते पंखा चला दईए क्योंकि गर्मी घर वालों वाहवा लगदी पई है, ठीक हो गया। ते असीं बच्चा वेट करने ज्यों ही जलेबी लैके आएगा तैनूं वहाने ते असीं निकलने माल लाहौर। दोनों आए हैं इस बाइक पे, कितों आए हो तुम बाइक धो के, हैं इन्नी देर कितने ला गया बाइक तो सा कुत्ता, चुप खड़ा स्कूल से खड़ो, ये कुत्ती का भतीजा, खड़ा स्कूल से, आराम से खड़ा, मैं मारूंगा, हम हेड ऑन, आराम से खड़ा है मैं मारूंगा, हम हेड ऑन, हम मैं अपने, ये जो बंदा है ना ये बंदा अपनी जुबान में बंदा, इसे ना इसे चावल लेने भेजा के चावल लेके आ, और ये बगैर चावलों के पैसों की जलेबी उठा लाया। ए बाबा ए मेरे बालक साहब, इन्हों को मैं बड़ी वड्डी गलती की इनू गुड़ती दवाने वाली, दोवें जाने ना इको जे ने, साडे घर की सारी चीनी मिठा वो तो जो है इन्होंने इन्हें उन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ते हैं। ये इतना क मीठे का शौकीन है, बाजार चलता चलता अपनी कान माँ की कान में फूक मार देगा, मामा गुलाब जामुन ले दो, है की गल, जो मेरी मोटरसाइकिल लैके जाता जो लैके जाता पेट्रोल पंप मुका के लैंता है, और बेफजूल फिर रहता है तू ना बंदा मान जा, तू पंगे ला रहा मेरा पुटे पुटे, ठीक है। बहरहाल अभी जो है ना तब से मैं इनका इंतजार करता मैंने जाना था, लेकिन अभी मैं और अम्मी बेगम और अब्बा जी जा रहे हैं
मेरी एक बड़ा पुत्र जमरा करके वापस आया तो अब्बा जी कह रहे हैं कि मैं मिलना लाजमी हूँ। हाँ की गल है, हैं की गल है, हैं की गल है यार, ना तो फिर गया नहीं, की गल है, हैं की गल है, हैं मेरी बाँ मुगल का मैंने लाभ पका है मुझे। बस बस हेलो जी क्या जी तो पूछो अभी ब्लॉगर का स्टॉप करते हैं हम जब उधर पहुंचे ठीक है क्योंकि वहाँ पे मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता ना ब्लॉग बना सकता, उसकी वजह ये बहुत ज़्यादा पर्दे वाली खातून जो अंदर रहती हैं, इसलिए हम जब वहाँ सो लें फिर आके आपसे मिलते हैं। घर आए हमें सिर्फ 15 मिनट हुए हैं और सब ऐसे सो रहे हैं जैसे पता नहीं सर्दियों घर के आगे सोते हैं। अम्मा जी ने भी खेस लटिया है ऐ बंदर उठा के इस ऊपर से हटाया है, बेगम भी सो गई। ए अब्बा जी मेरे सब भाई मैं अच्छा मैंने एक बात करनी है, मुझे एक बात देखो क्योंकि मैं खुद समझ में गया हूँ लेकिन मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही। कल भी मैं पूरी रात नहीं सोया, सुबह 7 बजे सोया हूँ, 12 बजे मुझे नींद मैं सोता रहा हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आई। चले सुबह करूँगा, बात करनी जरूरी है पर सुबह करेंगे, अभी सारे सो रहे हैं, मैं रोला छोला पावांगा सब दी अग खुलेगी। हम कहते हैं आपको मैंने बताया था मेरी पप्पो की तरफ उनका बड़ा बेटा उमरा करके वापस आया, अब्बू काफ़ी दिनों से उसे मिलना चाह रहे थे, अब्बू के दिल में आह थी उसे मिलने की, हमने कहा जरा उनको मिलवा लाएँ, उनको लेके गए थे मिलवा के लाए हैं, इसलिए आती सो गए हैं क्योंकि अब्बू के साथ बाइक पर सफ़र करना, अब्बू की बाइक पर थे अम्मी और अब्बू जी, मैं और मेरी बेगम अपनी बाइक पर, जो सफ़र था 45 मिनट का हमने किया 1 घंटे 45 मिनट में, इसलिए तशरीफ मेरी भी दुख रही है, झूठ है नहीं गा बाकी सच्चे तशरीफ मेरी भी दुख रही। मैंने दो बारी कोशिश की थी मैं रुक के कितने साह लेना लेकिन मैं कहा नहीं बंदा जान दे, एक बारी साह ली हूँ घर आए ने बंदर तेन कि शायद नहीं टिकन देती भी है बेगम। अभी ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे स्टॉप। मौसम बड़ा कमाल कमाल हो रहा है, धमाल धमाल मौसम हो रहा है। ये दोनों दादा पोता किधर से बाइक पे आ रहे हो? अच्छा आपको बताया था ना कि कल का ब्लॉग मैंने शाम में नहीं किया था, उसकी वजह थी कि रात काफ़ी हो चुकी थी और अब मौसम बड़ा और ग्लास है, चेक करें ज़रा प्यारे प्यारे बादल आए हैं। तो उसका ये कल जो हमारा जिठा ना उसका जाने का बब्बो की तरफ जाने का मकसद, उनका बेटा मैंने आपको बताया था उमरा करके आया, लेकिन ना मुझे एक चीज़ फील हुई छोटी सी उम्र में उसे बहुत अल्लाह पाक ने उसे बड़ा रुतबा ता किया, लेकिन एक चीज़ बड़ी ही ज़्यादा फील हुई। हम लोग अपने पीरों अपने मुर्शिदों की ऐसे बात मानते हैं जैसे कि बाप ने कही हो, और बाप की हम बात बिल्कुल नहीं मानते कि जैसे वो पता नहीं कोई गैर बंदा है। ये एक बात हिंट के तौर पर करूँ, कंप्लेंट नहीं करूँगा, इसी ब्लॉग को आज करूँगा यहाँ पर वाइंड अप। मिलने का लगने ब्लॉग के साथ, काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।